मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स, अपन अपनी लास्ट वीडियो दे विच ना डिस्कस किया सीगा लग्रेंजिस थ्योरम ते मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। अज आप अगे नवा टॉपिक पढ़न जा रहे हैं, थोड़े एनसीईआरटी की बुक का 6th चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैं थोड़ा उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज बारे डिस्कस करूँगी, उसमें ध्यान नाल देखियो, ठीक है। थोड़ा फर्स्ट टॉपिक है, हुण आपां एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव पर पढ़ना है कि डेरीवेटिव दे की एप्लीकेशनज ने। सब तो पहला उसकी एक एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, मतलब इजी, मतलब आपां की कर सकते हैं डेरीवेटिव की हैल्प दे नाल। मान लो थोड़े को एक फंक्शन चल रहा है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तुसी मतलब लगा लो वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। आप की कर सकते हैं, थोनों एक गल पता है कि जे मान लो मैं उरे एक्स की वैल्यू कुछ भी लिनी है तो उसके कोरसपोंडिंग वाई की वैल्यू आ रही है। जे मैं एक्स विच थोड़ा जहा भी चेंज कर ली है, एक्स की वैल्यू मान लो वन लीती, दैन वाई की वैल्यू भी वन आ जाएगी। जे मैं एक्स की वैल्यू 1.0001 ले रही है, एक्स की वैल्यू के मतलब थोड़ा जहा चेंज कर ली है, कुछ भी कर ली है, तो उस हिसाब के थोड़ी वाई की वैल्यू भी चेंज हुई आ रही है। तो मैं जरा इग्जाम्पल लीती है, ये दो वेरिएबल कम कर लेने, फर्स्ट वन इज़ अ वाई एंड सैकेंड वन इज़ अ एक्स। तो की हो रहा है कि जिमें जिमें आप जिमें जिमें एक्स चेंज हो रहा है ना, उस हिसाब के नाल साडा वाई भी चेंज हुई आ रहा है। तो इस फंक्शन दे विच उरे एक्स की है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई की है डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वाई किस दे मुताबिक चेंज हो रहा है, एक्स के मुताबिक चेंज हो रहा है। तो आप इसलिए आप इसका डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डी वाई बाय डी एक्स मतलब की है कि वाई दे विच जिमें एक पॉइंट के उपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट के उपर जिमें एक्स विच चेंज आया, तो उस टाइम वाई दे विच किन्ना चेंज आया। मतलब आप इस एक्सरसाइज दे विच यही डिस्कस करना होया करेगा कि सानू एक वेरिएबल दे विच चेंज पता होया करेगा, आप उसके कोरसपोंड एक वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो आपने उसके कोरसपोंडिंग चेंज देखना होया करेगा कि दूसरे वेरिएबल दे विच किन्ना आ रहा, ठीक है। जिमें कि हुण तुहाडा एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पैक्ट टू इट्स रेडियस। थोनू पता ही है कि जे सर्कल की रेडियस चेंज हो जाएगी, उसके कोरसपोंडिंग सर्कल भी बड़ा छोटा होएगा ही। तो जिमें सर्कल दी साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज़ होएगा, उस हिसाब के नाल थोड़ा एरिया भी चेंज होएगा ही होएगा। तो मतलब सर्कल दी रेडियस दी चेंज होने दे नाल उस दे एरिया दे उपर इंपैक्ट पएगा ही पएगा, है ना। हुण आपां ये देखना चाहते हैं कि जे सर्कल दी एरिया विच चेंज आंदा है, उसकी रेडियस दे विच चेंज आंदा है, तो उसके कोरसपोंडिंग उसके एरिया विच किन्ना चेंज आंदा है। तो उरे रेडियस की हो गया थोड़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिहड़ा कि चेंज हो रहा है, तो उसके कोरसपोंडिंग किहड़ा वेरिएबल चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, सर्कल का वो वेरिएबल हो रहा है। तो इसका आपने हूँ उस दे विच चेंज देखना, तो इसका एक ही फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल जहा, थोनू जिस दे विच भी चेंज किया वै, कि जिमें थोनू सर्कल दे एरिए विच चेंज किया किया वै, तो तुसी एरिए नू ना कैपिटल ए नाल डिनोट कर लो, वैसे थोड़ी इच्छा है, ठीक है। एरिए नू मैंने कैपिटल ए नाल डिनोट कर लिया, तो मैं ना जानते भी सर्कल का एरिया की होंगे पाई आर स्केयर, ठीक है। हुण मैं इस एरिए विच चेंज देखना चाहनी हाँ विद रिस्पैक्ट टू रेडियस, सर्कल के एरिए विच किन्ना चेंज आ रहा, ठीक है। तो आप एदा डेरीवेटिव एरिया का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू आर करांगे ना, क्योंकि एरिया इतने की है डिपेंडेंट वेरिएबल है, रेडियस की है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो तुसी की करोगे, चेंज इन एरिया विद रिस्पैक्ट टू चेंज इन रेडियस, ठीक है। एरिया विच चेंज करना विद रिस्पैक्ट टू रेडियस। हुण आप इसनों किवें करांगे, देखो थोनू पता है पाई की है, थोड़े कोंस्टेंट है, तुसी डेरीवेटिव किदे विद रिस्पैक्ट टू कर लिया आर दे, तो थोनू पता है पावर रूल लग जाएगा, इट बिकम्स टू आर, ठीक है। तो थोड़े को चेंज इन एरिया थोड़े को आ जाएगा 10 पाई आर, मतलब थोड़े को हो रहा है कि जिमें 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 थोड़े को सर्कल रे रेडियस दे विच फर्क पै रहे हैं, उस हिसाब दे नाल थोड़े को रेडियो जिमें इन्होंने एक होर भी गल है, इन्होंने कह रखा कि जो रेडियस चेंज होकर ना 5 यूनिट हो जाती है, ठीक है। आपां नूं दित्ता है कि रेडियस साढ़े कोल 5 यूनिट हो जाती है, उस टाइम चेंज हो रही है, जब रेडियस 5 यूनिट हो जाए उस टाइम एरिए विच किन्ना चेंज है, तो आप इतने आर की वैल्यू पुट कर देंगे, इट बिकम्स 10 पाई, ठीक है। तो थोड़े को जब सर्कल की रेडियस चेंज होकर 5 यूनिट हो जाएगी, उस टाइम थोड़े एरिए किन्ना चेंज आ जाएगा 10 पाई। तो आपां पता है कि इसनों आपां किवें डिनोट करांगे, सेंटीमीटर स्केयर, क्योंकि एरिए सेंटीमीटर स्केयर
पर सेंटीमीटर, मतलब अपने को जे रेडियस दे विच एक सेंटीमीटर का चेंज आ रहा होगा तो उसके कोरसपोंडिंग साढ़े को एरिए इन्ना चेंज आएगा, क्योंकि ये ना साढ़े को एरिए की वैल्यू नहीं हैगी, ये साढ़े को चेंज की वैल्यू। इस तरीके आप इस शो करांगे, ठीक है। इस तरीके मतलब तुसी इसके क्वेश्चन ने बहुत ईजीली कर सकते हो, बहुत सिंपल जी ही एक्सरसाइज है ये। हुण देखो थोड़ा एनसीईआरटी की बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन है एक। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³ पर सैकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग वैन द लेंथ ऑफ एन एज इज़ 12 cm। देखो थोनू की क्या वह एक क्यूब की जोड़ा वॉल्यूम है उस चेंज आ रहा है इज़ अ पर सैकेंड, मतलब हर एक सैकेंड के 8 cm³ का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अपने को वॉल्यूम चेंज आ रहा है, तो हूँ अपने फाइंड आउट करना है कि उसके सरफेस एरिए कि चेंज आएगा जो उसकी एज। देखो तुसी एक गल तो समझ लो, जे हुण उसके वॉल्यूम चेंज आ रहा है मतलब क्यूब की एज विच भी चेंज आ रहा होएगा। एक ओवले टाइम पर पता करना है कि जब क्यूब की एज विच 12 cm का चेंज आ गया उस टाइम उसके सरफेस एरिए कि चेंज आया, ठीक है। अपने फाइंड आउट करना है। देखो थोनू बच्चे वॉल्यूम चेंज दिता वै, तो सब तो पहला क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, लगा लो लैट ए बी का एज ऑफ क्यूब। अपने ए की ले ली क्यूब की एज ले ली, ठीक है। जे ए क्यूब की एज है दैन इट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अपने को वॉल्यूम चेंज आ रहा है, और एक गल देखो कि अपने को वॉल्यूम चेंज कि विद रिस्पैक्ट टू आ रहा है, टाइम के मुताबिक आ रहा है ना, कि जिमें जिमें पर सैकेंड लिखा हुआ। देखो जिमें जिमें अपना टाइम चेंज हो रहा है उसके कोरसपोंडिंग साढ़े को वॉल्यूम चेंज आई आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आप वॉल्यूम का जो डेरीवेटिव आप डी वी बाय डी टी लिखांगे ना, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पैक्ट टू टाइम इट बिकम्स 3a² देखो पहला ए क्यूब का डेरीवेटिव करांगे तो 3a² आया, फिर अगे ए का भी डेरीवेटिव होएगा ना, क्योंकि आप विद रिस्पैक्ट टू किस कर लिया टी दे कर लिया, आप विद रिस्पैक्ट टू ए एज दे नहीं कर ले है, आप विद रिस्पैक्ट टू टाइम दे कर लिया, बिकॉज सानू जिहड़ा वॉल्यूम दिता वै ना उस दे विच चेंज सानू विद रिस्पैक्ट टू टाइम दिता वै, उन्होंने पर सैकेंड दे विच चेंज दिता वै। ए बन जाएगा डी ए बाय डी टी, पहला पावर का डेरीवेटिव होया, फिर वेरीएबल का डेरीवेटिव होया, ए का डेरीवेटिव होया, ठीक है। हूँ इट्स वैल्यू इज 8, इट बिकम्स 8/3a² इज इक्वल टू डी ए बाय डी टी। ये तुसी एज विच चेंज निकाल लिया भी टाइम दे पर सैकेंड, थोड़ा ये चेंज निकल गया कि जिमें जिमें थोड़ा वॉल्यूम चेंज होगा वो कोरसपोंडिंग थोड़ी पर सैकेंड ए एज दे विच इस तरीके नाल चेंज आएगा। हुण आपां ये देखना है कि उसके सरफेस एरिया विच दे विच किन्ना चेंज आएगा जो थोड़े कोल एज चेंज होकर 12 cm हो जाएगी। थोनू पता है कि साढ़े कोल उसका क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला की है 6a² एक बार मैं थोनू सारे फॉर्मूलाज लिखवा दाँगी ताकि थोनू ईजी हो जाए, ठीक है। तो चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पैक्ट टू टाइम, अपन सरफेस एरिया भी चेंज विद रिस्पैक्ट टू टाइम ही फाइंड आउट करना पेगा। ये कि बन जाएगा 12a, क्योंकि आप डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टी किया, दैन ए का डेरीवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पैक्ट टू टी डी ए बाय डी टी, ठीक है। हुण आपां इत्थे डी ए बाय डी टी की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे 8/3a² ये बन जाएगा थोड़े को 12 थोड़े को। हूँ देखो सरफेस एरिया आप स्केयर आप मतलब थोड़े को सरफेस एरिया चेंज आ गया cm² per second, ये लिखना जरूरी है बिकॉज इट इज़ अ चेंज है ना। तो आप इस तरीके ही लिखांगे भी एक सैकेंड इन्ना चेंज आ रहा है। इस तरीके दे नाल थोड़े कोल इसे रिलेटेड बहुत सिंपल जे क्वेश्चन है कि थोड़े कोल हमेशा एक वेरीएबल दे विच चेंज होया करेगा, तो तुसी उसके कोरसपोंडिंग दूसरे वेरीएबल दे विच डेरीवेटिव की हैल्प दे नाल चेंज फाइंड आउट करया करोंगे, ठीक है।
एक आपां होर क्वेश्चन करन जा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का ही अनसोल्ड क्वेश्चन है। इस दे विच की है, ए लैडर 5 सेंटीमीटर लोंग इज लीइंग अगेनस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग वैन द फुट ऑफ द लैडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इसका मतलब की है कि है थोड़े को ना एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल दे नाल ना तुसी एक लैडर लीनिंग करती, मतलब लगाती, इट्स लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ते दिस इज़ अ बॉटम ऑफ द लैडर, ठीक है ना, ठीक है, ये तुसी एक वॉल दे नाल एक लैडर लगाती, ते ये बॉटम हो गया, तुसी हुण की कर लियो, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल का कॉर्नर है, तुसी ना हमेशा की करी जा रहे हो ना, इस लैडर ना खिंची जा रहे हो, मतलब थोड़ा 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 इस विच चेंज करी जा रहे हो, जिवें इस ए वाले कॉर्नर तो बॉटम नू ना थोड़ा जिहा दूर ले गए इस पॉइंट तो, तां थोड़ा नवीं पोजिशन लैडर दी एवें बन जाएगी, ठीक है, मैं इस टोटल लाइनां दिखा रही हूँ, एवें बन जाएगी, फिर तुसी थोड़ा जिहा इसनों होर दूर लेके जाऊंगे तो इसकी नवी पोजिशन इस तरीके नाल बन जाएगी। तुसी की देख रहे हो कि जिमें जिमें तुसी इस लैडर दे पॉइंट नूं इस वॉल तो दूर लेके जा रहे हो, इसके बॉटम तो दूर लेके जा रहे हो, थोड़ी एवली लेंथ तो बधी जा रही है, इस तो मतलब डिस्टेंस बधी जा रहा है, बट उपरों हाइट की हुई जा रही है लैडर की, डिक्रीज हुई जा रही है। हुण इस क्वेश्चन दे विच थोनू यही गल कही है कि तुसी इसका चेंज थोनू दे रखे भी ये किन्नी किमें जा रही है, इधर थोनू इहदी हाइट विच डिक्रीज चेंज, मतलब थोनू पता करना है कि इहदी हाइट विच किन्ना चेंज आ रहा है, किन्नी डिक्रीज हो रही है, हर टाइम हर सैकेंड वो किन्नी डिक्रीज हो रही है। हुण देखो बच्चे, तुसी इसनू वाई मान लो, इसनों मान लो एक्स, थोनू एक तरह जो देखा हो चीज़ एवली क्वांटिटी तो इसे तो चेंज दे रखे ना कि इस कि चेंज आ रहा, देखो 2 सेंटीमीटर पर सैकेंड, मतलब साढ़े को क्योंकि टाइम के डी एक्स बाय डी टी साढ़े को दिता हुआ 2 सेंटीमीटर पर सैकेंड, ठीक है, चेंज इन एक्स विद रिस्पैक्ट टू टाइम 2 सेंटीमीटर पर सैकेंड है। हुण आपने की देखना है, असी देखना है वाई विच कि चेंज होएगा, आपने की देखना है कि वो हाइट विच कि चेंज आ रहा है, तो थोनू वाई ते एक्स विच रिलेशन बनाना पएगा, ता ही तुसी इसनू इस दे विच यूज़ कर सकोगे। थोनू पता है दिस इज यूअर राइट एंगल ट्रेंगल, बाय यूज पाइथागोरस थ्योरम इट बिकम्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल 25। आप हूँ इसका डेरीवेटिव कर दिए, बिकॉज आपने चेंज किस देखना है, वाई वेरिएबल देखना, ठीक है, आप जब इसका डेरीवेटिव करा एक्स स्केयर का डेरीवेटिव 2x dx/dt, पहला पावर का डेरीवेटिव, दैन एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टी हो रहा है ना, जे एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स हों दैन इट बिकम्स 1, बट थोड़े को एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टी है, तो चेंज इन एक्स विद रिस्पैक्ट टू चेंज इन टाइम, तो वाई स्केयर का 2y dy/dt इज इक्वल टू 25 का डेरीवेटिव 0, ठीक है। हूँ अपन dx/dt दिता हुआ विच इज़ अ 2 सेंटीमीटर, तो यह बन जाएगा 4x + 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। इसनों जो तुम सोल्व करोगे तो बन जाएगा dy/dt इज इक्वल टू -4x/2y, इट बिकम्स -2x/y, ठीक है, -2x/y। हूँ उन्होंने ये गल कही है कि जद ना इसनों आप दूर लेके जाई जा रहे हैं, कहिंदे एक एवें दा टाइम जदों लैडर ना इस तो 4 मीटर दी डिस्टेंस ते हो जाएगी, उस टाइम आपने पता करना है 4 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी, मतलब इस तो 4 सेंटीमीटर जब इस पॉइंट तो दूर हो जाएगी, उस टाइम आप पता करना है कि चेंज आ रहा है, मतलब आपको एक्स की वैल्यू जब 4 मिल गई ना, उस टाइम आप वाई की वैल्यू आपने उस टाइम चेंज पता करना है। हुण तुहानू एक गल पता, एक्स की वैल्यू जो 4 होगी, दैन आप इसी रिलेशन दे विच पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू थोड़े को कितनी आ जाएगी 25 - 16, इट बिकम्स 9, वाई स्केयर वाई की वैल्यू आ जाएगी थोड़े को 3, बिकॉज ये लेंथ है नैगेटिव तो नहीं होएगी, तो थोड़े को dy/dt कि आ जाएगा -2, एक्स की वैल्यू हैगी साढ़े को 4/3, इट बिकम्स -8/3 cm/s। हुण दूसरी गल,
ਉਹਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਕਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਏ ਡੀ ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ 6.1 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।